हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी बाय आकाश अड्डा सर। तो आज हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो फर्स्ट लेक्चर अपने अपलोड किया था उसका सेकंड पार्ट अपलोड करने वाले हैं आज। तो WRD एग्जाम के लिए जो सब्जेक्ट्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें अपन ने पहले चूज किया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसका सेकेंड लेक्चर आज अपलोड होने जा रहा है और टॉपिक वही अपना स्ट्रेस और स्ट्रेंथ। लेकिन आज हम लोग बेसिकली जो स्टडी करेंगे, जिस टॉपिक के ऊपर आज अपना फोकस रहेगा वो रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इसके ऊपर एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के ऊपर हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है बताऊंगा मैं, वो अच्छे से करके रखना, इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन हम पास मिलेगा। तो आज के वीडियो से कम एक मार्क तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलेगा तो दो मार्क भी मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों बात ऐसी है कि अभी तक जो रिस्पांस आप लोगों से मिल रहा है, हमारे वीडियो पे हार्डली 150-200 व्यू आ रहा है और कभी कभी 3-4 घंटे 5 घंटे हो जाते हैं, 25-30 व्यू आते हैं। अगर इस रिस्पांस से हम लोग आगे जाएंगे तो ये चीज़ हमको मोटिवेट करने वाली नहीं है। ये क्यों सोचा मैंने कि अपन ने इस सब्जेक्ट के ऊपर सारे लेक्चर्स अपलोड करने चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड चालू है, आप लोग भी फ्री हो और आप लोगों को कुछ बेनिफिट होना चाहिए इस लॉकडाउन के अंदर, इसलिए अपन ये सारी चीज़ें कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरह का रिस्पॉन्स अगर आता रहेगा तो ये चीज़ें हमें मोटिवेट करने वाली नहीं है। तो एक बात समझ लो कि आपके तरफ से जो सपोर्ट चाहिए वो उस तरह से नहीं मिल पा रहा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर इस तरह से एक एक लेक्चर अपलोड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा सिलेबस कवर करने को। जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम लाइव क्लासेस ले सकेंगे, तो वो चीज़ आपको बहुत बेनिफिट होने वाली है। लाइव क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है रादर देन दिस रिकॉर्डिंग वीडियो, तो उसके ऊपर ध्यान दो। तो आज का जो वीडियो है उसमें अपन डिस्कस करेंगे सारे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के ऊपर। उसके पहले कल मैंने स्ट्रेस टेस्टिंग कर पढ़ाया था, स्ट्रेस टेस्टिंग कर अपन ने देखे थे डक्टाइल मटेरियल का और बेसिकली माइल्ड स्टील बार का, क्योंकि माइल्ड स्टील्स के अलावा दूसरा कोई मटेरियल ऐसा नहीं है जो परफेक्ट डक्टाइल है, मतलब स्टील के अंदर सबसे ज़्यादा डक्टाइल क्वालिटी है। अपन ऐसा बोले तो माइल्ड स्टील के अंदर सबसे ज़्यादा डक्टाइल की क्वालिटी है, इसलिए अपन डक्टाइल मटेरियल को स्टील ही बोलते नॉर्मली। कुछ और दो मटेरियल का, कुछ और भी दो तीन मटेरियल है जिसके स्ट्रेस टेस्टिंग कर आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए, एग्जाम में पूछ सकते। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर टॉर स्टील, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर टॉर स्टील या फिर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटल मटेरियल, तो ऐसे कुछ मटेरियल की भी तुमको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पूछ सकते, तो भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो टॉर स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस तरह से आता, टॉर स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस तरह से निकलता और उसके अंदर जहां से वो डायग्राम चेंज होता डेविएट होता उस पॉइंट पे अगर अपन ने स्ट्रेंथ देखा तो वो रहता 0.002 और ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पूरी तरह से पैराबोलिक आता, तो इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां से कर्व डेविएट होना चालू होता, तो इसलिए ऐसा कोई मैक्सिमम स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ का एक स्टैंडर्ड वैल्यू अपने को नहीं मिलता। तो टॉर्च स्टील के अंदर अगर तुमको किसी ने पूछा कि मैक्सिमम स्ट्रेन या स्ट्रेन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट कितना मिल सकता, तो आपका आंसर रहेगा 0.002, ठीक है, 0.2%। तो ये दो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी आपको ध्यान में रखना, माइल्ड स्टील की तो ठीक है सबको पता रहता है, लेकिन ये बाकी फिगर्स ज्यादातर एग्जाम में पूछ सकते, ठीक है। तो अभी अपन जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के ऊपर, कुछ बेसिक मेन मेन प्रॉपर्टीज अपन कवर करेंगे। उसमें सबसे पहले अगर कोई प्रॉपर्टी देखे तो उसका नाम है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब क्या होता, इस तरह की प्रॉपर्टी है इसमें मटेरियल क्या होता स्ट्रेच होता जाता और मटेरियल बहुत ज्यादा स्ट्रेच होता, मतलब अगर अपन ने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर से इसको रेफर किया तो ई पॉइंट तक अल्टीमेट लोड पॉइंट तक मटेरियल स्ट्रेच हो सकता। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इन विच द मटेरियल गेट स्ट्रेच, इसमें क्या होता मटेरियल गेट स्ट्रेच और इतना स्ट्रेच होता मटेरियल की कभी कभी मटेरियल के ऊपर अपन जब मटेरियल को जब प्रेस करते हैं अपन तो उस मटेरियल वो मटेरियल क्या होता है एक कोई तो भी थिन वायर में कन्वर्ट हो सकता। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत से टाइम पूछे जाते हैं, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स,
टू कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स, ऐसी मटेरियल की एबिलिटी जिसमें वो थिन वायर में कन्वर्ट हो सकता, वो प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच हैज द एबिलिटी टू कन्वर्ट मटेरियल इनटू थिन वायर्स, उस तरह के प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। तो डक्टिलिटी क्या करता है? डक्टिलिटी एक आधे मटेरियल को थिन वायर्स में कन्वर्ट करता, थिन वायर्स में कन्वर्ट करता। मैं इसी बुलेट पॉइंट लिख रहा हूं, आपको लिख के रखना है प्रॉपर। डक्टिलिटी म्हणजे जिसमें मटेरियल बहुत ज्यादा स्ट्रेच होता, म्हणजे इसके अंदर ऐसा नहीं कि मटेरियल इलास्टिक लिमिट के अंदर ही फेल हो जाएगा, मटेरियल कम से कम अल्टीमेट लोड पॉइंट या प्लास्टिक स्ट्रेन के अंदर जाएगा, जो मैंने कल तीन जोन बताया था, इलास्टिक, प्लास्टिक और ब्रेकिंग। तो कम से कम प्लास्टिक स्ट्रेन के अंदर जाएगा मटेरियल, इसमें जाके वो फेल होगा। मतलब डक्टिलिटी ये प्रॉपर्टी के अंदर जो स्ट्रेन फॉर्म होता है वो हमेशा कौन सा फॉर्म होगा? प्लास्टिक स्ट्रेन। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के अंदर हमेशा कौन सा स्ट्रेन देखने मिलेगा? प्लास्टिक स्ट्रेन ही देखने मिलेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, मटेरियल बहुत ज्यादा स्ट्रेच होता तो इलास्टिक के अंदर तो फॉर्म होता नहीं, और एक मटेरियल को अगर अपन बहुत ज्यादा प्रेस कर दे तो थिन वायर में कन्वर्ट होने लगता, इसको बोलते हैं अपन डक्टिलिटी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं अपन ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस, ब्रिटल मतलब क्या है? जिसमें डक्टिलिटी की कमतरता है, जिस प्रॉपर्टी में डक्टिलिटी की कमतरता है, जिसमें डक्टिलिटी नहीं रहता, उसको बोलते हैं अपन ब्रिटल। मतलब क्या कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं होने वाला है, वो क्या होने वाला है? सडन फेल हो जाने वाला है, सडन फेलियर। और सडन फेलियर मतलब क्या कि इलास्टिक में ही फेल हो सकता, सडन फेलियर मतलब क्या कि वो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही फेल हो सकता, इसीलिए इसके अंदर जो स्ट्रेन हमेशा आपने को देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं इलास्टिक स्ट्रेन। डक्टिलिटी के अगर एग्जांपल देखने का रहा तो स्टील है, सबसे बेस्ट मटेरियल अगर डक्टाइल है तो वो स्टील है, कास्ट आयरन आप बोल सकते हैं, और इसके अंदर एग्जांपल देखने का रहा तो कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीट बोल सकते हैं आप, ग्लास बोल सकते, चॉक बोल सकते, ये सारे क्या है? डक्टाइल मटेरियल है जो सडन फेल हो जाते हैं। स्टील जो है, अगर कोई स्टील को अपन यूटीएम पे टेस्ट करते तो बहुत लॉन्ग इलॉन्गेशन अपने को देता, मतलब बहुत आखिर तक के वो फेल होते रहता। अगर उसी के ऊपर ने अपन सीटीएम पे कॉन्क्रीट में कॉन्क्रीट टेस्ट किया तो वो कॉन्क्रीट एकदम जल्दी फेल हो जाता। डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस में कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत आपको हेल्प करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मटेरियल कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स, सडन फेलियर, इलास्टिक स्ट्रेन, एग्जांपल्स, तो ये चीजें ध्यान में रखना डक्टिलिटी के बारे में और ब्रिटलनेस के बारे में। जो जो मैं रिकॉर्ड बोला हुआ अभी वो सारी बातें ध्यान में रखना और रजिस्टर में लिख के रखना। डक्टिलिटी मतलब क्या होता है? कि उसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल स्ट्रेच होता, और ब्रिटलनेस मतलब क्या होता है? जिसमें मटेरियल जल्दी फेल हो जाता, इलास्टिक में ही फेल हो जाता। डक्टिलिटी के अंदर मटेरियल थिन वायर में कन्वर्ट हो सकता। अब रहा मेलेबिलिटी, तो मटेरियल का इस तरह का प्रॉपर्टी जिसमें अपन एक आधे मटेरियल को थीन शीट में, थीन प्लेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको प्रेस करके, तो इसमें क्या हो सकते हैं अपन कि मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थीन शीट्स और प्लेट्स। इस तरह के एमसीक्यू हमेशा पूछते हैं, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ मटेरियल इनटू थीन शीट्स और प्लेट्स, प्लेट्स, इस तरह का मटेरियल जिसमें वो एबिलिटी है कि वो एक आधे मटेरियल को प्रेस करके थीन शीट या थीन प्लेट्स में कन्वर्ट कर सके बाय प्रेसिंग इट, तो वो प्रॉपर्टी जो है उसको बोलते हैं अपन मेलेबिलिटी। तो इट इज अ प्रॉपर्टी एबिलिटी ऑफ मटेरियल बाय विच मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थीन शीट्स और प्लेट्स। उसके बाद में रहा हार्डनेस, फोर्थ प्रॉपर्टी हार्डनेस। हार्डनेस मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस टू स्क्रैच और एब्रेजन। स्क्रैच और एब्रेजन का मीनिंग एक ही होता है, खरोच। तो अगर अपन किसी मटेरियल पे स्क्रैच करते और उसमें खरोच गिर जाती, मतलब वो मटेरियल हार्ड नहीं है। तो मटेरियल का एबिलिटी जो स्क्रैच को या एब्रेजन को रेजिस्ट कर सकता उसको बोलते हैं अपन हार्डनेस। और ये स्क्रैच हार्डनेस को निकालने का एक बहुत स्क्रैच हार्डनेस को निकालने के लिए जिस मेथड का अपन यूज करते हैं उसको बोलते हैं मोहर्स टेस्ट। जिस मेथड से अपन स्क्रैच हार्डनेस को अपन फाइंड करते हैं कि ये मेंबर हार्डनेस को स्क्रैच को रेजिस्ट करने में इतना हार्ड है या नहीं है, द मेंबर इज इनफ हार्ड
टू रेजिस्ट द स्क्रैच और एब्रेजन, ये अगर पता करना है तो उस टेस्ट का नाम है मोर्स टेस्ट। मोर्स टेस्ट से अपन पता कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मेथड्स है उसके, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है उसका नाम है मोर्स टेस्ट। तो जो मोस्ट कॉमन यूज करते हैं अपन, वो अपन डिस्कस किए थे, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी क्रीप। क्रीप मतलब क्या होता है? क्रीप मतलब जिसमें फेलियर विद द टाइम होता, मतलब एक कांस्टेंट लोडिंग पे जब फेलियर होता विद द पासेज ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं अपन क्रीप। मींस फेलियर ऑकर्स एट कांस्टेंट लोडिंग विद पासेज ऑफ टाइम। ऐसा कॉलम वगैरह रहते हैं अपने बीम के बिल्डिंग के अंदर, तो कॉलम पे लोड हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। एक स्लैब का लोड कॉलम पे आ रहा तो वो लोड कैसा है? कांस्टेंट है। लेकिन वो कॉलम तुरंत फेल होता क्या? उस लोड के अप्लाई करने के बाद में वो कॉलम तुरंत फेल होता क्या? नहीं, वो कॉलम फेल तो होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे टाइम पास होगा, वैसे वैसे कॉलम के अंदर फेलियर होगा। तो इसमें जो डिफॉर्मेशन होता वो डिफॉर्मेशन कैसा होता? परमानेंट डिफॉर्मेशन होता। ये दो बातें आप डक्टिलिटी के अंदर और ब्रिटलनेस के अंदर ही बोल सकते हैं। ब्रिटलनेस में भी आप दो डिफॉर्मेशन होता कैसा होता? परमानेंट होता, क्योंकि एक बार कंक्रीट ग्लास या चौक टूट गया तो उसको आपस जोड़ते नहीं आता। तो क्रीप के अंदर बोलो या ब्रिटलनेस के अंदर बोलो, जो डिफॉर्मेशन ऑकर होता वो कैसा रहता? परमानेंट रहता। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता उसमें जो ऑप्शन रहते ना, वो ऐसा रहता, परमानेंट डिफॉर्मेशन एट कॉन्स्टेंट लोडिंग विद द पासेज ऑफ टाइम, मतलब क्रीप इज अ फेलियर ऑफ, इस तरह से क्वेश्चन आया। उसके चार ऑप्शन रहेंगे, तो उसमें करेक्ट ऑप्शन जो आपको टिक करना है वो है परमानेंट डिफॉर्मेशन, या इसको आप बोल सकते हैं प्लास्टिक स्ट्रेन, क्योंकि अगर इलास्टिक में डिफॉर्मेशन होता तो वो वापस रिगेन करते आता। अगर डिफॉर्मेशन इलास्टिक के अंदर हो रहा तो उसको अपन वापस रिगेन कर सकते। अगर कोई डिफॉर्मेशन परमानेंट हो रहा, मतलब वो कौन सा स्ट्रेन में फॉर्म हो रहा, वो कौन से स्ट्रेन में चले गया? प्लास्टिक स्ट्रेन में चले गया। परमानेंट डिफॉर्मेशन अगर हो गया तो वो प्लास्टिक स्ट्रेन में चले गया। मींस ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है कि परमानेंट डिफॉर्मेशन एट कांस्टेंट लोडिंग विद पासेज ऑफ टाइम, या प्लास्टिक स्ट्रेन एट कांस्टेंट लोडिंग विद पासेज ऑफ टाइम। अगर कुछ बुक्स आप प्रेफर करते हो, जैसे गुप्ता एंड गुप्ता की बुक अच्छी है, खुरमी गुप्ता की बुक अच्छी है, और उसके बाद में जोटे पब्लिकेशन की बुक अच्छी है एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन दिखते होंगे आपको, और इस तरह से ऑप्शन आते हैं जैसे मैं बता रहा हूं अभी, कि परमानेंट या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एट कांस्टेंट लोडिंग विद द पासेज ऑफ टाइम। तो ये क्रीप का डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फेलियर ऑकर्स एट कांस्टेंट लोडिंग विद द पासेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय बीते जाएगा वैसे वैसे अगर फेलियर हो रहा तो उसको बोलते अपन क्रीप फेलियर। तो ये सारे प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी हर एक के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। वीडियो को पॉज करके सब डेफिनेशन लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना। उसके बाद में फटिक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी फटिक। फटिक मतलब जब रिपीटेड लोड साइकिल हम लगाते कोई मेंबर के ऊपर, और उससे अगर वो मेंबर फेल हो रहा तो उसको बोलते हैं हम फटिक। मींस फेलियर ऑकर्स, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको लिख के दे रहा हूं मैं, और यही प्रकार से ऑप्शन भी एग्जाम में आते हैं। ये सब मैं एग्जाम के क्वेश्चंस का एनालिसिस कर चुका हूं, सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उसके एनालिसिस करने के बाद में आपको इस लैंग्वेज लिख के दे रहा हूं, तो आप मेरे पे पूरा भरोसा कर सकते हैं। इस तरह से आपने लिख के रखा, इस तरह से भी नोट्स बने, तो आप आराम से उसको एग्जाम में रिकॉल कर पाएंगे। फेलियर ऑकर्स एट नंबर ऑफ लोड साइकल्स, तो वही हो गया नंबर ऑफ लोड साइकिल लगाया, मतलब क्या? रिपीटेड लोड आ रहा, पहले लगाया 5 किलो का, फिर लगाया 10 किलो का, फिर लगाया 15 किलो का, फिर लगाया 20 किलो का, उसके बाद में वो मेंबर के अंदर फेलियर शुरू हुआ। जैसे अपन एटीएम मशीन पे करते हैं, पहले अपन थोड़ा कम लगाते हैं, फिर ज्यादा बढ़ाते हैं, फिर ज्यादा बढ़ाते हैं, जैसा अपन लोग बढ़ाते जाते तो एक पॉइंट आता है कि उसके ऊपर वो मटेरियल की रेजिस्टिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, मटेरियल टूट जाता। तो मटेरियल के अंदर जो शेप फॉर्म होता, जब एटीएम मशीन में जब मटेरियल टूटता उसमें जो शेप बनता है वो कौन सा बनता है? कप एंड कॉम शेप बनता है, और ये कप एंड कॉम शेप किसके वजह से बनता है? ड्यू टू शियर। ये भी चीज ध्यान में रखना है, जब मटेरियल टूटता यूटीएम मशीन के अंदर
तो कप एंड शेप कौन शेप उसके अंदर फेलियर के होने के बाद में आपको कप एंड कौन शेप तरह का दिखता, आप सब लोगों ने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है। तो कप एंड कौन शेप जिस माध्यम से होता, जिस फेलियर मोड से होता, वो फेलियर मोड कौन सा है? शियर। तो शियर फेलियर मोड से कप एंड कौन शेप एक पर्टिकुलर मेंबर के अंदर फेल दिखता है, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ लोड साइकिल से कोई मेंबर फेल होता है तो उसको बोलते हैं अपन फटीग। उसके बाद में टफनेस। टफनेस मतलब क्या? एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट इंपैक्ट लोड और फॉलिंग लोड। इस तरह का मटेरियल जो एबिलिटी टू रेजिस्ट इंपैक्ट लोड, इंपैक्ट या फिर फॉलिंग लोड अगर कोई मटेरियल रेजिस्ट कर सकता तो उस मटेरियल को बोलते हैं हम कि ये मटेरियल टफ है। अगर कोई मटेरियल स्क्रैच को यूज करता उसको बोलते हैं मटेरियल हार्ड है, टफ नहीं है वो। जो मटेरियल इंपैक्ट और फॉलिंग लोड को रेजिस्ट कर सकता उसको बोलते हैं अपन कि मटेरियल टफ है। तो ये चीज ध्यान में रखना टफनेस के बारे में। उसके बाद में एक प्रॉपर्टी है रेजिलायंस। रेजिलायंस इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर कोई मटेरियल अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर सकता तो उसको बोलते हैं अपन रेजिलायंस। मींस विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी। जैसा अपन कोई मेंबर पे फोर्स लगाते और वो मेंबर अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर है, अपन ने पहले फोर्स लगाया 5 किलो का फिर 10 किलो का, और वो फोर्स जो है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है तो वो मटेरियल वापस अपने अंदर एनर्जी रिस्टोर कर सकता। तुमने उस पर 10 किलो का फोर्स लगाया था और वो फोर्स अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर है तो वो 10 किलो हटाने के बाद में वापस वो मेंबर अपने अंदर एनर्जी रिस्टोर कर सकता, और फिर तुम उसके वापस उसके ऊपर फोर्स लगाओ और उसको डिफॉर्म करने की कोशिश करो। जैसे अपना एग्जांपल है ना, अपने ऊपर पहले 5 किलो का फोर्स लगाया, फिर 10 किलो का फोर्स लगाया और फिर थोड़ा ब्रेक लिया, तो अपन क्या कर सकते हैं जब वो अपना जो पोजिशन रहेगा, अपना जो जोन रहेगा, वो जोन जब इलास्टिक से प्लास्टिक में जाएगा तब तक अपन वो एनर्जी को वापस अपने अंदर रिस्टोर कर सकते हैं। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर कोई मटेरियल अपने अंदर वापस एनर्जी रिस्टोर कर सकता तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग रेजिलायंस, या फिर उसको बोलते हैं अपन स्ट्रेन एनर्जी। रेजिलायंस भी बोलते हैं या फिर उसको अपन स्ट्रेन एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। रेजिलायंस को एक प्रकार दूसरे भाषा में एनर्जी बोलते आता। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी मटेरियल की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हर एग्जाम में कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आए ही है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, तीन तरह के लिमिट अपन स्टडी करेंगे। अभी आपको मैं तीन तरह के लिमिट स्टडी करवा रहा हूँ, ये सारे आप डेफिनेशन वीडियो को पॉज करके लिख लेना। तीन तरह के डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, तीन तरह के लिमिट बता रहा हूँ, इलास्टिक लिमिट, उसके बाद में प्रोपोर्शनल लिमिट और उसके बाद में मॉडल, उसके बाद में एंड्योरेंस लिमिट। एंड्योरेंस लिमिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों भी लिमिट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो तीनों लिमिट के अंदर क्या है, एक इसकी मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू है। इलास्टिक लिमिट के ऊपर, इलास्टिक लिमिट के पॉइंट के ऊपर अपने को जो वैल्यू मिलती वो वैल्यू क्या की है, स्ट्रेस की है ना। तो तीनों भी लिमिट के अंदर अपने को क्या क्या कंसिडर करना है, क्या निकलना है, इन तीनों लिमिट का अपने को मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है। तो तीनों के अपने अपने कुछ ड्रॉबैक्स है कि इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस इन मटेरियल विदाउट परमानेंट सेट मतलब जब तक मटेरियल पूरी तरीके से डिफॉर्म नहीं हो जाता। परमानेंट सेट मतलब क्या, जब तक मटेरियल पूरी तरीके से डिफॉर्म नहीं हो जाता, पूरी तरीके से कोलैप्स नहीं हो जाता, तब तक जो स्ट्रेस तुमको मिलेगा, जिस पॉइंट पे मटेरियल पूरी तरीके से फेल हो गया उस पॉइंट के ऊपर जो स्ट्रेस मिलेगा उस स्ट्रेस को बोल सकते हैं अपन कि वो स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट के ऊपर का स्ट्रेस है। तो ये लिमिट मतलब स्ट्रेस की वो वैल्यू जिसमें मटेरियल पूरी तरीके से सेट नहीं होता, पूरी तरीके से कोलैप्स नहीं होता। प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब क्या होता, मैक्सिमम स्ट्रेस इन मटेरियल, मैक्सिमम स्ट्रेस इन मटेरियल विदाउट डेविएशन इन स्ट्रेट लाइन। जब तक तुम्हारी स्ट्रेट लाइन कर्व के फॉर्म में नहीं जाती, जब तक वो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम एक स्ट्रेट लाइन तक रहता, तो स्ट्रेट लाइन तक जिस पॉइंट तक अपना स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम
स्ट्रेट लाइन है, जिस पॉइंट तक अपना स्ट्रेस फील्ड डायग्राम एक स्ट्रेट लाइन तक रहता उस पॉइंट पे जो अपने को स्ट्रेस मिलता उस स्ट्रेस को बोलते हैं अपन प्रोपोर्शनल लिमिट। ये अपन देखा भी है कल स्ट्रेस टेस्ट कर्व में कि बी पॉइंट ए पॉइंट तक डायग्राम कैसी है स्ट्रेट लाइन तक के, तो ए पॉइंट को अपन ने क्या नाम दिया था प्रोपोर्शनल लिमिट नाम दिया था। तो उस ए पॉइंट पे जो स्ट्रेस मिलेगा वो स्ट्रेस कहां पे मिलेगा प्रोपोर्शनल लिमिट पे मिलेगा। तो प्रोपोर्शनल लिमिट पे जो स्ट्रेस मिलता वो इस तरह का स्ट्रेस है जिसमें तुम्हारा जो स्ट्रेट लाइन है वो डेविएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में एंड्यूरेंस लिमिट, एंड्यूरेंस लिमिट जो है वो फटिक से कंसर्न है, मींस मैक्सिमम स्ट्रेस इन मटेरियल एट नंबर ऑफ लोड साइकल्स विदाउट कॉजिंग फेलियर। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो उसको कंसिडर करना, थोड़ा फास्ट लिख रहा है इसलिए। द मैक्सिमम स्ट्रेस इन मटेरियल एट नंबर ऑफ लोड साइकल्स विदाउट कॉजिंग फेलियर, तो अपन नंबर ऑफ लोड साइकिल लगाते जा रहे लेकिन जिस लिमिट तक तुम्हारा मेंबर फेल नहीं होता, नंबर ऑफ लोड साइकिल लगाने के बाद में भी अगर अपना मेंबर फेल नहीं हो रहा तो जिस लिमिट तक अपना मेंबर अपना साथ देता, जिस लिमिट तक नंबर ऑफ लोड साइकिल लगाने के बाद में जिस लिमिट तक अपना मेंबर अपना साथ दे रहा वो फेल नहीं हो रहा उस लिमिट को बोलते हैं अपन एंड्योरेंस लिमिट। तो एंड्योरेंस लिमिट का संबंध किससे है, फटीक के साथ में संबंध है इसका, क्योंकि नंबर ऑफ लोड साइकिल जब अपन नंबर ऑफ लोड साइकिल लगाते एक मेंबर के ऊपर तब तक कौन सा प्रॉपर्टी बोलती है उसको फटिक प्रॉपर्टी बोलती है फेलियर की। तो एंड्योरेंस लिमिट फटिक से कंसर्न है। तो तीन तरह के डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, एंड्योरेंस लिमिट, तीनों को ध्यान में रखना। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे एग्जाम में, खासकर एंड्योरेंस लिमिट जो बहुत लोगों को पता नहीं रहती। स्टील के लिए नॉर्मल इसका वैल्यू होता है 181.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। वॉल्यूम टू कॉज फेलियर, फेलियर कोई भी मेंबर को फेल करने के लिए जो भी अपन एक वर्क करते वो पर्टिकुलर एक यूनिट वॉल्यूम में, एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में जो भी अपन वर्क करते ताकि मेंबर फेल हो उसको बोलते हैं अपन मॉडुलस ऑफ टफनेस, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड पर यूनिट वॉल्यूम टू कॉज फेलियर, ठीक है। एक और टर्म है मॉडुलस ऑफ रप्चर, ये बहुत लोगों को पता नहीं रहता मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या रहता। तो मॉडुलस ऑफ रप्चर मतलब क्या होता, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अपने मेंबर का अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन फ्लेक्चर, फ्लेक्चर मतलब क्या होता बेंडिंग, और टॉर्शन, टॉर्शन मतलब क्या होता ट्विस्टिंग। तो अपने मेंबर का फ्लेक्चर अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर इन फ्लेक्चर और टॉर्शन, मतलब मेंबर का अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो रहता फ्लेक्चर या टॉर्शन के अंदर उसी को बोलते अपन मॉडुलस ऑफ रप्चर। उसके बाद में एक स्ट्रेस है जिसको बोलते हैं अपन प्रूफ स्ट्रेस, ये भी बहुत लोगों को पता नहीं है, ये भी एग्जाम में पूछते। तो ये प्रूफ स्ट्रेस मतलब क्या होता, द मैक्सिमम स्ट्रेस जस्ट सफिशियंट टू कॉज परमानेंट सेट, कोई भी मेंबर को परमानेंट कोलैप्स करने के लिए, परमानेंट फेल करने के लिए जो स्ट्रेस लगता, the maximum stress which is thus sufficient to cause a permanent set, कोई भी member को permanent set करने के लिए stress लगता उस stress को बोलते हैं हम लोग proof stress। तो ये भी बहुत ज़्यादा important है, proof stress, modulus of rupture और modulus of toughness, ये तीनों definition note down करके रखना, जितना भी पढ़ाया आज का वो सब note down करके रखना, बहुत ज़्यादा important है। इसके ऊपर एक mark आपको मिलने वाला है, कोई भी exam दो आप state level की JEE exam उसमें एक mark तो मिलने वाला है। उसके बाद में एक टर्म बता रहा हूँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, आप लोगों को बताऊंगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला, बहुत सारे लोगों को बताऊंगा, अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। लेकिन इसमें भी दो कैटेगरीज है, ये जो फॉर्मूला आपने देख पढ़ा है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, ये फॉर्मूला जो रहता ये रहता ब्रिटल मटेरियल के लिए, ये फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला ब्रिटल मटेरियल का फॉर्मूला है। लेकिन अगर आपको पूछ लिया किसी ने कि डक्टाइल मटेरियल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बताओ और आपने यही फॉर्मूला टिक किया फॉर डक्टाइल मटेरियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू, अगर आपने इसी को टिक कर दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो गया। उसमें फॉर्मूला रहता यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस या फिर यील्ड लोड अपॉन वर्किंग लोड, यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस
या फिर यील्ड लोड अपॉन वर्किंग लोड, इस फॉर्मूले को अपन यूज करते डक्टाइल मटेरियल के लिए। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और यहाँ बच्चे बहुत सी बार मिस्टेक कर देते क्योंकि अपने को एक ही फॉर्मूला याद रखते पूछते अपन, लेकिन उसके अलावा भी एक फॉर्मूला है जो डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज होता है, यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपन ने सारे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल कंसीडर कर लिया। इस लेक्चर में आपका एक मार्क्स फिक्स है, कोई भी एग्जाम दो एक मार्क या फिर एक क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला है, एक क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में आएगा। आज के लेक्चर को जिसने स्टडी कर लिया पूरी तरह से, जिसने सारे पॉइंट्स नोट डाउन करके रख लिए, उसको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करो, जेई लेवल एमपीएससी मेंस में नॉर्मली थ्योरी क्वेश्चन पूछते नहीं है। मीन्स ये जो लेक्चर अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं एमपीएससी मेंस में काम नहीं आएंगे, और एमपीएससी मेंस के अपन ऑनलाइन क्लासेस ले भी नहीं सकते, उसमें बहुत फास्ट सिलेबस रहता है, तो उसके अपने को ऑफलाइन क्लासेस लेना पड़ता है। तो जब अपना प्री क्रैक हो जाएगा तो अपन एमपीएससी मेंस क्लासेस चालू करेंगे। तो ये एग्जाम्स, ये जो लेक्चर्स है, ये सिर्फ जेई लेवल के एग्जाम के लिए सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, और मेरे भरोसा रखो कि जैसा मैंने लिख के दिया पॉइंट्स वैसे एग्जाम में आते। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टेक केयर, और घर पे ही रहो। थैंक यू।